नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे, पहला चैप्टर होगा हमारा पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। याद रखिए ये सभी लेक्चर जितने भी रसायन विज्ञान से संबंधित बनेंगे वो आपको जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस प्राचीन नाम से हुई है? तो याद रखना कीमिया अर्थात काला रंग। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो याद रखना मिस्र में। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखना लियो सीए। अगला, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो याद रखना प्राकृत तत्व में। दो या दो से अधिक तत्वों को मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? याद रखना मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु। ठीक, पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन सी? ठोस, ये द्रव है और एक गैस है। ठीक है, चित्र ए बी सी में पदार्थों की तीन अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। चित्र से स्पष्ट है कि पदार्थ की उन तीन अवस्थाओं में कणों की गति और उनका वितरण भिन्न भिन्न है। इकाई आयतन में अणुओं की संख्या ठोस फिर द्रव फिर गैस। अणुओं की अपेक्षित गति तो सबसे कम ठोस फिर द्रव फिर गैस। ठीक है, बात करते हैं आगे। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो याद रखना कणाद ने। अमोनिया क्या है? तो याद रखना रासायनिक यौगिक अमोनिया है। जल क्या है? जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। प्रकृति में तीन अवस्थाएं ठोस द्रव गैस में कौन पदार्थ पाया जाता है? तो याद रखना जल H2O। ठीक, फिर बात करते हैं पदार्थों को की तीन अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण। ठोस है ये। ठीक, ये गैस हो गया, ये द्रव हो गया। द्रव बाष्पीकरण में बनता है और संघनन से ये द्रव में। ठीक, ऐसा ही गैस ऊर्ध्वाधन से ठोस में और ऊर्ध्वपातन से गैस में। ठोस ऐसे ही ठोस बदलता है, द्रव बदलता है ठोस से में संलग्न से संगलन से और जमना ठोस है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ तथ्यों के प्रतीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रतीक देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, इसका प्रतीक चिन्ह का है Al। आर्गन, ऑर्गन का क्या है? Ar। बेरियम, बेरियम का क्या है? Ba। बोरोन, बोरोन का क्या है? Be। बोमीन, बोमीन का क्या है? Br। कैल्शियम का क्या है? Ca। कार्बन का क्या है? C। क्लोरीन का क्या है? Cl। कोबाल्ट का क्या है? CO। कॉपर का क्या है? Cu। फ्लोरीन का क्या है? F। स्वर्ण, गोल्ड का क्या है? Au। हाइड्रोजन का H। आयोडीन का I। आयरन का Fe। सीसा का Pb। मैग्नीशियम का Mg। ठीक, नियोन, नियोन का है Ne। नाइट्रोजन का क्या है? N। ऑक्सीजन का O प्रतीक चिन्ह है, पोटेशियम का K है, सिलिकॉन का Si, चांदी का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn है प्रतीक चिन्ह। ठीक, आगे बात करते हैं।
हीरा क्या है? तो याद रखना तत्व। बारूद क्या है? तो याद रखना मिश्रण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? यौगिक। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथककारी बल से सबल होता है तो पदार्थ क्या कहलाता है? ठोस। पारा एवं ब्रोमीन क्या है? तो याद रखना द्रव के रूप में पाए जाने वाले तत्व। ऊष्मा के कुचालक कौन होते हैं? अधातु तत्व। वर्तमान समय में कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो याद रखना 118 के करीब। गैसीय रूप में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। पीतल में किन धातुओं का मिश्रण होता है? याद रखना तांबा, जस्ता। अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उन्हें किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो याद रखना आसवन विधि द्वारा। गर्म किए जाने पर कुछ ठोस पदार्थ सीधे बाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातज। पातज, ठीक है। ऊर्ध्वपातन ये वर्नर है, चीनी मिट्टी की प्याली। ये ठोस बना अमोनियम क्लोराइड है, उल्टा रखा हुआ अपकीप, और ये रुई का टुकड़ा, ठीक। ये वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड। बात करते हैं आगे, ऐसे द्रव जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है उन्हें किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? प्रभाजी आसवन। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल में अघुलनशील तथा वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं किस प्रकार पृथक किए जाते हैं? भाप आसवन द्वारा। द्रव की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं क्या कहलाते हैं? प्लाज्मा अवस्था। सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना हीरा। पदार्थों को हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने का गुण क्या कहलाता है? भंगुरता। वायुमंडल की नमी के ग्रहण करने की क्षमता युक्त पदार्थों को क्या कहा जाता है? आद्रता ग्राही। पदार्थों के पतले तार में परिवर्तित होने वाले गुण को क्या कहते हैं? तन्यता, ठीक है। आगे बात करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ द्रवित अवस्था में मिलाकर पुनः ठोस में परिवर्तित करने पर प्राप्त उत्पाद को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। पदार्थों की पांचवी अवस्था कौन सी है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बात करते हैं पदार्थ की पांच अवस्थाएं। सामान्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं, लेकिन वर्तमान में समय में वैज्ञानिक पदार्थ की पांच अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये पांच अवस्थाएं। प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। एक कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य अक्रिय गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत अर्थात आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था। गैस के स्वभाव के कारण इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। फिर बात करते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1920 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सेट कहा जाता है। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए. कॉर्नेल, ओल्फ गैंग कैटरले और कार्ल ईव
वेमैन को बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्यतः वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था तैयार होती है। आगे बात करते हैं, जिस पदार्थ पर कोई ठोस गलना प्रारंभ करता है वह ताप क्या कहलाता है? गलनांक। बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो याद रखना 0°C। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के गलनांक पर क्या असर पड़ता है? कम हो जाता है। बर्फ को गलने से बचाने में उसमें कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं? नमक। याद रखना, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के गलनांक का पर क्या असर होता है? तो याद रखना, कम हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं मानव शरीर में विभिन्न तत्वों की औसत मात्रा। ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 65%। तो याद रखना, ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पर कार्बन, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन, चौथे नंबर पर नाइट्रोजन। ठीक है, फिर उसके बाद कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.4%, अन्य पदार्थ 0.40%। तो याद रखना, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वायु यौगिक अथवा मिश्रण है अम्लगम क्या होता है? एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। अब यहीं देख लेते हैं हम लोग भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों की औसत मात्रा। तो ऑक्सीजन यहाँ भी सबसे ज़्यादा 49.9%, फिर उसके बाद सिलिकॉन 26%, एल्यूमिनियम 7.3%, लोहा 4.1%, कैल्शियम 3.2%, सोडियम 2.3%, पोटेशियम 2.3%, मैग्नीशियम 2.1%, अन्य तत्व 2.8%। ठीक है, बात करते हैं फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो सीसा व टिन के। ठीक है, रोल्ड गोल्ड किस धातुओं की मिश्र धातु है? तो याद रखना, तांबा एवं एल्यूमिनियम। यहीं बात करते हैं द्रव की कठोरता उसमें खनौज की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करती है, जिसका मापन मोह के कठोरता मापांक पर निर्भर करता है। मोह स्केल पर कुछ द्रव की कठोरता निम्नतम है, ये द्रव हो गए, एक कठोरता हो गई। तो हीरा की 10, कोरंडम की 9, टोपोज की 8, क्वार्ट्ज की 7, ग्रेफाइट की 0.7। रोल्ड गोल्ड, इसे सोने का किंतम रूप कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड को यह 90% कॉपर 10% एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, जो देखने में सोना सदृश है या लगता है सोने जैसा। इसका उपयोग सस्ते आभूषण के निर्माण में होता है। बात करते हैं आगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठोस अवस्था। अव्यवस्थित ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती, इसका एक अन्य नाम क्या है? तो याद रखना, पूर्ण रूप से जमा हुआ द्रव। आगे देखते हैं, ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो याद रखना, 100°C। द्रव को गर्म करने पर करके बाष्प में परिवर्तित करने की विक्रिया क्या कहलाती? क्वथन। आगे बात करते हैं, जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है क्वथनांक कहलाता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है?
याद रखना क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव्य का याद रखना गलनांक कम होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, याद रखना है आपको। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। पहाड़ों अथवा ऊंचे स्थानों पर खाना देर से क्यों पकता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से क्यों पक जाता है, दाब बढ़ जाने के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब कोई द्रव कक्ष ताप पर वाष्प में परिवर्तित होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन। अशुद्धि की उपस्थिति में किसी पदार्थ के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना घट जाता है। समुद्री जल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है, समुद्री जल में नमक की अशुद्धि के कारण द्रव का हिमांक घट जाता है। वियोगिक जो नम वायु में रखने पर वायु में से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रसोयित पदार्थ। बात करते हैं आगे, सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलयता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलयता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग, दूसरा चैप्टर रसायन विज्ञान का देखेंगे, परमाणु संरचना। ठीक है।